चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KS स्टडी ग्रुप। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th NCERT क्वेश्चन नंबर 3rd है, सेकंड का। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। If she travels 100 km by train and remaining by bus, it takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, स्पीड बतानी है ट्रेन की और बस की। तो हमने क्या किया सोल्यूशन में, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर एंड द बस बी वाई किलोमीटर। उसका क्या लिखा गया यहाँ पे कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, यानी टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ पे है 300 किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो 60 किलोमीटर किससे करता है, ट्रेन से करता है। अब यहाँ पे 60 लिख देंगे हम और ट्रेन का हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, तो 60 बाई एक्स हो गया प्लस रिमेनिंग बाई बस, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो 60 यहाँ पे हो गया और 300 पूरा था, तो 300 माइनस 60 करें कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा बस से ट्रेवल हो जाएगा। तो 240 अपॉन वाई इक्वल टू टाइम कितना लगा, 4 लगा, इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया गया यहाँ पे, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 बाई एक्स हो जाएगा एंड रिमेनिंग बाय बस, माइनस कर दो 300 माइनस करने कितना है, 200 आ जाएगा। एंड सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ये हावर में था अब ये मिनट में है, हम क्या करें इसको पहले हावर में चेंज कर देंगे और लॉन्गर है यानी प्लस 4 कर देंगे। अब ये हमारा सेकंड कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन हमारा ये है, सेकंड कंडीशन उसमें क्या था कि 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था किससे, ट्रेन से है, तो 100 बाई एक्स हो जाएगा एंड प्लस रिमेनिंग बाई बस, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वहाँ पर 200 आ जाएगा। तो 200 अपॉन वाई इक्वल टू क्या, हावर क्या टाइम क्या था हमारा, 10 मिनट लॉन्गर था, तो मिनट था उसको हम और चेंज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 10/60 हो जाएगा और लॉन्गर था इसलिए हम प्लस 4 कर देंगे, पहले वाला प्लस 4। अब क्या बन जाएगा ये, 100x प्लस 200y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 60 यानी 10 प्लस हो जाएगा 240। तो 100x 100x प्लस 200y इक्वल टू 10 प्लस 240 250 अपॉन 60। तो 0 0 कैंसिल, आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100x प्लस 200y इक्वल टू 25x। अब ये हमारा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गया, अब हम क्या, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल गया और सेकंड इक्वेशन मिल गया। तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, हम यहाँ पे लिखते, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा 60x प्लस 240y इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, इससे एक बार ही इसका सेम हो जाए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 60 से। अब यहाँ पर जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60 × 100 तो 6000 अपॉन यक्स प्लस 240 × 100 करें कितना आएगा, 240 है और 00 अपॉन वाई इक्वल टू 400 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई का, 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा अपॉन यक्स और प्लस 200, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12 000 अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल टू 25 अपॉन 6। अब इसको काट देंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 250 आ जाएगा, तो यानी हमारे क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर साइन सबका चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस इसका माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा हमारे पास, 2 4 000 माइनस 12 000, तो क्या बचेगा आप माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 150, माइनस करेंगे 150 आ जाएगा, तो यानी वाई क्यूल कितनी आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 000 अपॉन 150, तो 00 कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 80 किलोमीटर पर आवर हो गई।
अभी हमारे क्या हो गया, वाई की वैल्यू आ गई है। अब क्या करें, हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर हम वाई की वैल्यू रख देंगे तो वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम इक्वेशन हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग वाई इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 60 बाई एक्स प्लस 240 अपॉन वाई प्लस 4 इक्वल टू 4 हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 बाई एक्स प्लस 240 अपॉन वाई क्या 80 है, तो यानी 80 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब यहाँ से 8 थ्री से 24 हो गया, तो 60 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बाई एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो यानी एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 60 किलोमीटर पर आ जाएगी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आर। अब ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो गई, यानी एक्स क्या था हमारा, ट्रेन का स्पीड थी, और वाई हमारा क्या था, बस की स्पीड थी। और ये हमारा आंसर हो गया, सोल्यूशन कम्प्लीट हो जाता है।